भाभी है नहीं, इसका नाम रखेंगे चौथो। फ्रेंड, स्नैपी गर्ल के घर से एक बहुत ही शॉकिंग खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि सपना की जेठानी जिस दिन आई थी सपना से माफ़ी मांगने, उस दिन वो एक पर्स लेके आई थी। छोटे छोटे बच्चे थे सपना के, उनको इतना कुछ मालूम नहीं था। उस पर्स के अंदर एक छोटी सी गुड़िया रखी हुई थी जो देखने में काफ़ी डरावनी थी, पर बच्चे क्या जाने कि क्या डरावना होता है क्या सुंदर होता है। तो सपना की जो छोटी वाली बेटी है वो उस गुड़िया को उसके पर्स से निकाल के अपने कमरे में लेके चली गई घुटनों घुटनों में। तब तो घर वालों ने किसी ने ये चीज़ ध्यान नहीं दिया और सपना ने भी इस चीज़ को लाइटली लिया, क्योंकि सपना को बाद में पता चला कि एक गुड़िया घर में रखी हुई है। तो सपना को लगा कि शायद अंशु ने वो गुड़िया बनाया, क्योंकि अंशु हमेशा ऐसी क्राफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें करती रहती है, आर्ट वगैरह। तो उसने अंशु से पूछा तो अंशु ने कहा मैंने ऐसा नहीं किया। तो सब खुशी का माहौल था घर में। सपना वो जो गुड़िया है अपनी सास को दिखा रही थी, तभी उनके सास के मन में एक डाउट हुआ, क्योंकि गुड़िया जो था वो बहुत ज़्यादा भयंकर दिख रहा था। और उसी शाम से घर वाले जी हाँ फ्रेंड्स, उसी शाम से घर वालों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। तो पंडित जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि राजवीर की डेथ के पहले भी इनके घर में किसी ने कुछ तो करवाया था, जिस वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ें निकल रही थी। उस टाइम भी इनके मन में खटका हुआ था, पर उस टाइम इन लोगों ने इतना ज़्यादा इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। देन इनके जो जेठानी है, इनकी जेठानी के पर्स से ये निकला, तो घर वालों को पूरा डाउट ऐसा हो रहा है हो ना हो घर में ही कोई है जो ये नहीं चाहता है कि घर वाले आगे बढ़े, घर वाले चैन से रहे। अभी पंडित जी ने कहा है कि इस चीज़ का कुछ निवारण करना पड़ेगा, इसलिए पंडित जी ने सपना को गृह शांति करने का, पूजा गृह शांति पूजा करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिस वजह से ये जो नकारात्मक चीज़ें हैं जो भी है घर से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इस वजह से शायद घर में आगे जाके भी थोड़ी बहुत मुसीबतें आ सकती है, क्योंकि सपना अपनी लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत लोग इससे जल रहे हैं कि सपना इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो रही है। तो